वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नईम और आप देख रहे हो पैटर्न मास्टर जी। आज के क्लास में बनाएंगे एक और पैटर्न जो पिछले क्लास में बनाया था, बेसिक बॉडी की डॉट पैटर्न। वही आज के क्लास में भी बनाएंगे, लेकिन पिछले क्लास में बनाया था ऑप्टिट एक सॉफ्टवेयर में। जैसे कि पिछले क्लास में बताया था, नेक्स्ट क्लास में यानी आज के क्लास में बनाएंगे एक और नया सॉफ्टवेयर, वो है क्लो सॉफ्टवेयर। क्लो सॉफ्टवेयर में ड्राफ्टिंग पैटर्न कैसे बनाते हैं आज के क्लास में सीखेंगे। और थोड़ा बहुत मैंने बताया था, ये सॉफ्टवेयर डिजाइनर लोग ज्यादातर यूज करते हैं और ये 3D के लिए सबसे बेस्ट है। ये पैटर्न मेकिंग के लिए इतना अच्छा है नहीं, ये डिजाइनर लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिजाइन का आइडिया लग जाता है। लेकिन आज इसी में ही ड्राफ्टिंग पैटर्न बनाएंगे जो ऑप्टिटेक्स या फिर ऑप्टिटेक्स के जैसा जितना जो पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर है सब में जैसे पैटर्न बनाते हैं, उसी टाइप का ड्राफ्टिंग पैटर्न इसी में भी बनाएंगे। सिर्फ आपको टेक्निक को समझना है और देखना है जो ये पैटर्न कैसे बनता है। तो आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ओके, तो देखिए ये है क्लो सॉफ्टवेयर। ये क्लो सॉफ्टवेयर सब लोग ही जानते होंगे, जो लोग पैटर्न बनाते होंगे या फिर डिजाइनर लोग, सब लोग जानते होंगे, इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इसमें ड्राफ्टिंग पैटर्न कैसे बनाते हैं ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आज बनाएंगे 2D पर, फिर बाद में देखेंगे इसमें 3D कैसे बनाते हैं। तो चलिए 2D विंडो को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये है क्लो का 2D विंडो। ये 2D विंडो पे ही आज ड्राफ्टिंग पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट आपको एक पैटर्न शीट लेना होगा और पैटर्न शीट का जो मेजरमेंट है आपको यहीं पे मिलेगा। पिछले क्लास में भी बताया था, ये है आपका जो बेसिक बॉडी की जो पैटर्न शीट है, ये वर्टिकल लेना है यानी हाइट लेना है आपको 43 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल यानी विड्थ लेना है आपको 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा ऑप्टिटेक्स में बना रहा हूँ सेम वही टेक्निक पे इसमें भी बनाएंगे। इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज यही चीज देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए पहले आप इसके अंदर ये जो टूल्स है इसके अंदर क्लिक करोगे तो तीन टाइप का आपको टूल्स मिलेगा, पॉलीगन, रेक्टेंगल और एलिप्स। तो आपको जो टूल्स पे आपको बनाना है उसी टूल्स को ही पैटर्न शीट लेना होगा। जैसे हमें चाहिए एस फॉर रेक्टेंगल, देखिए यहीं पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल एस फॉर रेक्टेंगल ले लिया। लेने के बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहीं पे विड्थ और हाइट ये दोनों दिखाई दे रहा है। विड्थ पे चाहिए 50 सेंटीमीटर और हाइट पे चाहिए 43 सेंटीमीटर। लेने के बाद ओके कर देंगे तो ये पैटर्न शीट आ गया। ये 50 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट है 43 सेंटीमीटर, ये पैटर्न शीट आ गया। इसके बाद यहीं पे देखोगे ये जो टूल्स है, ये टूल्स के अंदर जाओगे बहुत टाइप का आपको टूल्स मिलेगा, लेकिन कौन सा टूल्स कहाँ पे यूज होता है यही मैंने बनाएंगे। तो देखिए पहले आपको ये जेड फॉर, यहीं पे देखो कर्सर लेके गया, ले जाने के बाद जेड फॉर एडिट पैटर्न यानी यहीं पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे क्लिक करेंगे। करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पे देखो, जैसे यहीं पे क्लिक करने के बाद एक पीला टाइप का आ गया, लेकिन बाकी तरफ कहीं पे पीला नहीं आया। आपको जहां पे काम करना है उसी लाइन के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे यहीं पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो येलो लाइन हो गया, यानी ये जो बाकी जितना जो एज है ये जैसा का वैसे ही है, लेकिन इस लाइन पे हमें काम करना है तो इसी वजह से ये येलो लाइन हो गया। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑफसेट एज इंटरनल लाइन इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक विंडो आ गया, आपको पूछ रहा है जो डिस्टेंस, यानी आपको डिस्टेंस क्या रखना है, इंटरनल लाइन का डिस्टेंस क्या रखना है। हमें रखना है 25 सेंटीमीटर। ये देखो इस जगह पे एक लाइन आ गया, तो फिर वही क्लिक करेंगे और ये डिवाइडेड हो गया, जैसे ऑप्टिटेक्स में किए थे वैसे ही सेम। ये हो जाने के बाद और एक इस जगह पे भी क्लिक करना है नीचे की तरफ। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करोगे, इस जगह पे करने के बाद राइट क्लिक किया तो फिर वही ऑफसेट एज इंटरनल लाइन यहीं पे और एक विंडो, यानी जैसा विंडो आया था इस तरफ वही सेम विंडो आ गया। फिर यहीं पे पूछ रहा है जो डिस्टेंस पे क्या रखना है, हमें रखना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे ओके करेंगे और एक लाइन आ गया। शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ एक्स। एक्स पर क्या होता है, उसी टूल्स के अंदर ही आप जाओगे तो एक्स पर एक पॉइंट लगता है, ये पॉइंट यहीं पे जाने के बाद यहीं पे एक्स एट पॉइंट, एट पॉइंट पे आपको जाना है। ठीक इसी सेंटर के बीच में ही आपको रखना है और यहीं पे देखो जब भी आप कर्सर को ले जाओगे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है जो ये डिस्टेंस पे कितना, लेकिन आपको फिर भी समझ ना आए तो फिर यहीं पे कहीं पर भी एक नजदीक पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको और एक विंडो आ गया, यहीं पे पूछ रहा है जो कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर करना है। तो फिर देखो बीचों बीच एक सेंटर पे पॉइंट होने के बाद ये दोनों तरफ 25 सेंटीमीटर करके डिवाइडेड हो गया। ओके ये पॉइंट आ गया। अच्छा बाकी फिर यहीं पर भी आपको ये पॉइंट भी लगा देना है 25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। 25 सेंटीमीटर
मतलब ये तीनों पॉइंट ही लगा दिए। उसके बाद देखो और एक आपको यहीं पे पॉइंट लगाना है, ये कितना 3 सेंटीमीटर, ये बैक पैटर्न बना रहा हूँ इसी वजह से 3 सेंटीमीटर पे और एक पॉइंट लगा के इसको ओके करेंगे। उसके बाद आपको और एक टूल्स लेना है और वो है शॉर्टकट जी। जी की प्रेस करोगे तो फिर देखो इस जगह पे आपको कर्सर ले आओगे तो फिर यहीं पे इंटरनल पॉलीगन लाइन या फिर शॉर्टकट जी, यहीं पर भी कर्सर ले जाके ले सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट जी की प्रेस करके भी ले सकते हैं। फिर इस पॉइंट के ऊपर आपको रखना है और बिल्कुल सीधा यहीं पे देखो ये गाइडलाइन अपने आप ही आ जा रहा है। देखो यहीं पे आप ले जाओगे तो ये पिंक लाइन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। फिर वहीं पे इसको डबल क्लिक करके एंड करना है। डबल क्लिक ना करोगे तो फिर ये सिंगल क्लिक करोगे तो फिर और एक बार आपको लाइन कहीं पर भी ऐड करने के लिए ये दिखाएगा, तो इसलिए डबल क्लिक करके यहीं पे एंड कर दो। राइट, ये हो गया। जैसे 19 सेंटीमीटर ऑप्टिटेक्स में किए थे वैसे ही करना है, तो जेड की प्रेस करना है या फिर आप कर्सर को इस जगह पे ले जाओगे तो एडिट पैटर्न यहीं पे क्लिक करोगे, इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करोगे तो ऑफसेट एज इंटरनल लाइन इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे फिर डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस यहीं पे देना है 19 सेंटीमीटर। जैसे ऑप्टिटेक्स में किए थे वैसे ही सेम 19 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाना है। लगाने के बाद यहीं पे अगर टिक रहे तो देखो आपको बाय डिफॉल्ट यहीं पे टिक हो सकता है, टिक रहेगा तो पूरा ये 19 सेंटीमीटर पे लाइन आ रहा है, लेकिन हमें तो इतना दूर नहीं चाहिए, हमें चाहिए इतना दूर, तो इसलिए इसको अनटिक करके फिर इसको ओके कर दो। करने के बाद वही 19 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हो जाने के बाद एक्स की प्रेस करके फिर इस जगह पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के आसपास आपको एक लगाना है। लगाने के बाद 2.5 सेंटीमीटर एक पॉइंट लगाना है, वो कौन सा, शोल्डर ड्रॉप, और इस तरफ भी आपको एक पॉइंट लगाना है। यहीं पे कितना देना है, नेक विड्थ कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो 8.5 सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे। फिर जी की प्रेस करके पॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है और बिल्कुल सीधा उठा के इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये लेंथ पूछ रहा है जो ये कितना सेंटीमीटर आपको उठाना है, तो हमें चाहिए 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पे ओके करेंगे। करने के बाद ये जो लाइन जो 2.5 सेंटीमीटर के जो एक पॉइंट लगाया था वहीं पे ले जाके को राइट क्लिक प्रेस करना है। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद ये इसका जो लेंथ है ये कितना दिखा रहा है, 11.63 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए शोल्डर की विड्थ 13.5 सेंटीमीटर, तो 13.5 सेंटीमीटर पे देखो इस जगह पे आ रहा है। फिर ओके करेंगे। करने के बाद देखो मैंने ये यहीं पे अगर डबल क्लिक कर देता तो फिर ये कर्सर फ्री हो जाता, लेकिन ये सिंगल क्लिक किया तो सिंगल क्लिक करने का रीज़न ये है, तो हमें ये आर्मोल का भी लाइन ड्रॉ करना है। फिर यहीं पे जाके आपको डबल क्लिक कर देना है, ये कर्सर को फ्री कर लेंगे। फ्री करने के बाद फिर इसके अंदर जाओगे तो फिर सी शॉर्टकट सी प्रेस कर सकते हो या फिर ये जो एडिट कर्व यहीं पर भी जा सकते हैं, ये शॉर्टकट की है सी। क्लिक करने के बाद इस जगह पे इस टाइप का शेप दे देना है, जैसा ऑप्टिटेक्स में किया वैसे ही सेम। चाहे तो और एक पॉइंट यहीं पे ऐड कर सकते हो, एक्स की प्रेस करके एक पॉइंट यहीं पे ऐड कर दो, ये रहेगा कितना 6.6 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट लगाना होगा। लगाने के बाद फिर और एक बार यहीं पे जाओगे तो एडिट कर्व यहीं पे ये पॉइंट को बिल्कुल इस टाइप का ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर आपको मिला के चलना है, तो फिर ये आर्मोल का शेप आ जाएगा। उसके बाद जी की प्रेस करके इस पॉइंट से ये जो नेक का कर्व है वो भी दे देंगे, डबल क्लिक करेंगे और सी की प्रेस करके इसको भी कर्व दे देंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पर फिर और एक बार एक्स की प्रेस करना है और ये जो नीचे वेस्ट लाइन है यहीं पर एक नजदीक पॉइंट पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कितना डिस्टेंस पे, 9.5 सेंटीमीटर दूरी पे ये एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद वो पॉइंट के आगे और पीछे दोनों तरफ ही 1.5 सेंटीमीटर और इस तरफ भी 1.5 सेंटीमीटर ये जो डॉट का विड्थ है उसको लगाना है, और फिर यहीं पर भी 9.5 सेंटीमीटर दूरी पे और एक पॉइंट लगा के फिर जी की प्रेस करके इस पॉइंट से ऊपर फिर ये नीचे वो जो डॉट है इस डॉट का डबल क्लिक करके इसको एंड कर देंगे, ये जो डॉट है वो आ गया। और एक तरीका है इसमें डॉट देने का, वो क्या है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये फिर डार्ट देने के लिए देखो आपको जेड की प्रेस करना है या फिर एडिट पैटर्न टूल्स को लेना है, फिर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है जो 9.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाया था, फिर इसको राइट क्लिक करोगे तो फिर यहीं पे ऐड डार्ट ये पॉइंट आप क्लिक करोगे तो फिर यहीं पे देखो आपको जो टोटल विड्थ है वो कितना यहीं पे दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर का डार्ट, और इसका जो लेंथ है ये कहाँ तक है 20 सेंटीमीटर,
यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की है, तो देखो इतना दूर ये डार्ट का लेंथ आ गया। उसके बाद फिर इसको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस टाइप का आपको शेप आ गया, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। ये लाइन एडिट करोगे तो जो एक आप प्रैक्टिकली बनाओगे तो यहीं पे देखोगे एक हल्का सा कर्व आ जाता है, ठीक है, वही कर्व इसमें भी आ जाएगा। फिर उसको एंटर क्लिक करोगे तो फिर देखो इस टाइप का कुछ शेप आ रहा है, ठीक है। ये जब डार्ट क्लोज करोगे तो बिल्कुल सीधा आएगा, ऐसा नहीं है जो ये बिल्कुल आपका जैसा ये टेढ़ा टाइप का आ रहा है तो टेढ़ा ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जब आप 3D पे लगाओगे तो बिल्कुल सही परफेक्ट आएगा। तो इसको कंट्रोल जेड, हमने सिर्फ इसको जैसे ऑप्टिटेक्स में बनाया था वैसे ही इसमें बनाते जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक्स की प्रेस करके फिर यहीं पे कुछ नज़दीक पॉइंट लगाना है, और फिर 4 सेंटीमीटर दूरी पे एक और एक पॉइंट लगाना है, और फिर जी की प्रेस करके इस पॉइंट के ऊपर ले जाके फिर यहीं पे डबल क्लिक करके इसको एंड करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब और एक काम है यहीं पे, और एक आपको पॉइंट लगाना है, वो पॉइंट है ये जो नेक का जो डार्ट है वहीं पे लगाना है। तो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पे देखो, आप जितना दूर यहीं पे पॉइंट को ले जाओगे तो उसके हिसाब से दोनों तरफ डिवाइडेड भी दिखाई दे रहा है जो ये कितना करना है। तो आप अगर आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है तो फिर आपको नज़दीक कहीं पे पॉइंट पर लगाना है, और फिर 4.5 पे करोगे तो फिर देखो ये 4.86 और ये है 4.5, जो 4.5 सेंटीमीटर इस तरफ है और ये 4.86 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा ज़्यादा है फिर भी चल जाएगा, लेकिन उससे हमें करना है बिल्कुल परफेक्ट। 4.6 करेंगे या फिर 6.5 करेंगे, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहीं पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद फिर जी की प्रेस करके इस पॉइंट के ऊपर रखे, फिर ये जो पॉइंट है जो डार्ट पॉइंट वेस्ट डार्ट पॉइंट है, वेस्ट डार्ट पॉइंट के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर हो गया था, लेकिन हमें चाहिए 9.5 सेंटीमीटर का डार्ट की लेंथ है वो चाहिए, ठीक है। तो फिर यहीं पे और एक बार क्लिक करके इसको एंड करेंगे, या फिर इसको कर्सर को फ्री कर लेंगे। अब देखो एक्स की प्रेस करके और एक बार इस जगह पे करना है 0.75 सेंटीमीटर, ओके, और फिर इस तरफ भी करेंगे 0.75, इसको भी ओके करेंगे, और जी की प्रेस करके ये डार्ट को फिल कर देंगे इस पॉइंट को ले जाके, फिर ये जो 1.5 सेंटीमीटर का डार्ट है यहीं पे डबल क्लिक करके कर्सर को फ्री कर लेंगे, और फिर ए की प्रेस करके यानी कर्सर को फ्री कर लेंगे, और यहीं पे देखो इसकी शेप, ठीक है, वो पैटर्न रेडी हो गया, जो बैक वाला पैटर्न है ये रेडी हो गया, ठीक है। अब बनाएंगे इसकी फ्रंट। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये क्लो में फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो हो रहा है तो इसी वजह से थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आगे शॉर्ट कर देंगे। तो चलो अब बनाते हैं फ्रंट पैटर्न। तो फ्रंट पैटर्न बनाने के लिए पहले जैसे बैक में किए थे वैसे ही टेक्निक इसमें भी यूज होगा। जैसे एक्स की प्रेस करके यहीं पे एक पॉइंट लगाना होगा, लगाने के बाद फिर ये डिवाइडेड होगा, यहीं पे नज़दीक कहीं पे पॉइंट पे लगाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद बिल्कुल 20 सेंटीमीटर पॉइंट लगाओ, लगाने के बाद फिर इस जगह पे आपको जेड की प्रेस करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे, फिर ऑफसेट एज इंटरनल लाइन यहीं पे क्लिक करोगे, करने के बाद देखो इस पॉइंट से ये जो लाइन डाला था ये कितना 19 सेंटीमीटर था, लेकिन यहीं पे फ्रंट में आपको ये 20 सेंटीमीटर पे आपको लगाना है, यानी 1 सेंटीमीटर प्लस करना है। करने के बाद फिर देखो ये लाइन यहीं तक आ जाएगा, ये जो पूरा लाइन है ऊपर से नीचे तक ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहीं पे टिक बाय डिफॉल्ट टिक दिया हुआ है, तो इसको अनटिक कर दो। करने के बाद देखो ये यहीं तक ही आ गया, अगर टिक लगा दोगे तो ये पूरा 20 सेंटीमीटर नीचे तक, लेकिन हमें नीचे तक तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहीं तक, तो इसको अनटिक करेंगे। करने के बाद फिर इसको ओके कर दो, फिर वहीं तक आ गया। उसके बाद फिर एक्स की प्रेस करके यानी एड पॉइंट करेंगे इस पॉइंट से, वही बेसिक सा 6.3 सेंटीमीटर जो नेक डीप होता है और जो विड्थ होगा वो भी करेंगे 6.3 सेंटीमीटर। करने के बाद इसको ओके कर दो। उसके बाद आप जी की प्रेस करके इस लाइन को इसके ऊपर रख के इसको डबल क्लिक कर दो, फिर सी की प्रेस करके इसको एक अच्छे से शेप दे सकते हैं, आर्मोल की सॉरी जो नेक की शेप दे सकते हैं कुछ इस टाइप का। लेकिन ये जो शेप है ठीक है, ये आप ऐसे करके दे सकते हैं, इससे और बेहतर एक टूल्स है, बहुत बेहतरीन काम होता है। जैसे
अनडू कर दिया। उसके बाद फिर ये जो टूल्स बार के अंदर जाओगे तो यहीं पे देखो स्मूथ कर्व, ये बहुत काम आता है, इसका कोई शॉर्टकट की है नहीं, तो यहीं पे क्लिक करो। करने के बाद फिर इस पॉइंट के ऊपर आप यहीं पे रखो, रखने के बाद फिर इसको सिलेक्ट करो, इस टाइप का शेप दे दो और देखो ये अपने आप ही काट के बिल्कुल वो शेप आ जाता है। फिर आपको अगर 19:20 लगे तो सी की प्रेस करके इसको एक आप शेप दे सकते हैं बहुत अच्छे से, जैसा आपको लगे बेहतरीन सा एक शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको छोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो एक्स की प्रेस करके और एक बार ऐड पॉइंट करेंगे। ऐड पॉइंट क्या करेंगे, इस जगह पे आपको राइट क्लिक करना है, फिर 6 सेंटीमीटर पे आपको यहीं पे देखो 6 सेंटीमीटर पे एक आपको पॉइंट लगाना है। उसके बाद फिर और एक 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाना है। ये जैसा ऑप्टिटेक्स में बनाया बिल्कुल सेम वही टेक्निक पे बना रहा हूँ। बनाने के बाद फिर जी की प्रेस करके यानी लाइन यहीं पे डालना है, इस जगह से ये 6 सेंटीमीटर पे आपको डबल क्लिक करके इसको एंड करना है। एक्स की यानी जो एड पॉइंट करेंगे, फिर इस जगह से आपको राइट क्लिक करके 9.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, और नीचे में भी यहीं पर लगाना है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर एक आगे और एक पीछे 1.5-1.5 सेंटीमीटर का आपको डॉट देना है, तो इसके लिए ये 9.5 सेंटीमीटर का आगे और पीछे दोनों तरफ 1.5-1.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरफ भी 1.5 सेंटीमीटर और इस तरफ भी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर दी, ये हो गया। वेस्ट डॉट है फ्रंट का, वही इसकी डार्क। यहीं पर भी आपको इस लाइन पर भी आपको करना है, ये कितना देखो ये 13.5 सेंटीमीटर का ये जो लाइन है शोल्डर लेंथ, ये शोल्डर लाइन पे ये नेक पॉइंट के आसपास कहीं पे एक पॉइंट लगा दो। लगाने के बाद यहीं पे आपको 5.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाना है। लगाने के बाद और एक पॉइंट लगाना है, वो 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर जी की प्रेस करके आपको इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और यहीं पे जो 9.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाया था उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहीं पे ये 21.42 सेंटीमीटर का ये लेंथ है, ये डार्ट की लेंथ, तो उतना ही इसमें भी रखना है। तो रखने के लिए आपको जब भी इस पॉइंट के ऊपर रखोगे यहीं पर देखो इसकी जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर और यहीं पे है 21.42 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों लाइन इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे 21.42 सेंटीमीटर करना है। करने के बाद देखो ये दोनों इक्वल लाइन हो गया। उसके बाद फिर इसको ओके करेंगे। करने के बाद देखो इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये जो 2 सेंटीमीटर नीचे यानी यहीं से 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाया था, उसके बाद फिर ये जो 2 सेंटीमीटर पे लगाया था यहीं पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें ये कितना फिल करना है, ये लाइन अभी आ रहा है 8.53 सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्यों, 5.5 सेंटीमीटर का ये जो शोल्डर लाइन है, ये शोल्डर लाइन का 5.5 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, तभी ये हो रहा है 13.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बैक में है 13.5 सेंटीमीटर का शोल्डर लेंथ। के लिए यहीं पे करना है ओनली 8 सेंटीमीटर। करने के बाद ये देखो कुछ इस टाइप का आ रहा है। फिर उसके बाद यहीं पे जो आर्मोल पॉइंट है यहीं पे डबल क्लिक करके इसको एंड करेंगे। अब देखो एक्स की प्रेस करके ठीक जैसे यहीं पर भी एक पॉइंट लगाया था, फिर यहीं पर भी और एक पॉइंट लगाएंगे 6.6 सेंटीमीटर पे और एक पॉइंट लगाएंगे। लगाने के बाद सी की प्रेस करके इसको एक अच्छे से शेप दे देंगे और इसको भी शेप को मिला देंगे। ठीक है, देखो चाहे तो आप बाद में इसको बेहतरीन आप बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया। अब देखो यहीं पर भी एक काम रह गया, जो वेस्ट डॉट, वेस्ट डॉट के लिए यहीं पर भी जी की प्रेस करेंगे। करने के बाद ये बिल्कुल सीधा इस पॉइंट तक उठा देंगे और इसको डबल क्लिक करके इसको कर्सर फ्री कर लेंगे। फिर एक्स की प्रेस करके यहीं पे नज़दीक कहीं पे एक पॉइंट लगाएंगे, या फिर ऊपर से भी आप बना सकते हैं, यहीं से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट लगा दो। लगाने के बाद फिर जी की प्रेस करके अब इस पॉइंट को एक डॉट दे दो। ठीक है, हो गया। अब और एक बार एक्स की प्रेस करके फिर यहीं पे नज़दीक कहीं पे एक पॉइंट लगा दो, जैसे यहीं पे लगाया। लगाने के बाद ये 4 सेंटीमीटर दूरी पे और एक पॉइंट लगाएंगे, जैसे बैक में रखा था वैसे ही
अब फिर जी की प्रेस करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको डबल क्लिक करके इसको कर्सर फ्री कर लेंगे, हो गया। अब देखो इसको करेंगे ट्रेस। ट्रेस करने के लिए आपको इस जगह पे जाओगे तो आई की प्रेस करोगे, शॉर्टकट की है आई, आई की प्रेस करोगे तो फिर यहीं पे देखो शिफ्ट की प्रेस करके आपको ये लाइन को सिलेक्ट करना है, कौन सा लाइन पे आपको ले जाना है, ये लाइन को आपको सिलेक्ट करना है और फिर इसको ये पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहीं तक हो गया। उसके बाद फिर राइट क्लिक करोगे तो ये ट्रेस एज ए पैटर्न, यहीं पे क्लिक करो। करने के बाद देखो यहीं पे बिल्कुल सीधा लाके यहीं पे छोड़ दो। छोड़ने के बाद ये जो जितना पॉइंट्स है या फिर ये जितना अनवांटेड लाइंस है इसको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। ऐसे करके सिलेक्ट करके भी शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको ऐसा करके आप डिलीट की प्रेस करो तो ये टोटल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे, आई की प्रेस करेंगे, करने के बाद फिर इसमें भी वही काम करेंगे तो ये भी हो गया। होने के बाद फिर यहीं पे राइट क्लिक करेंगे ट्रेस ए पैटर्न, करने के बाद फिर इसको भी यहीं पे सीधा इस जगह पे रख देंगे, राइट। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करो, अनवांटेड पॉइंट्स को सब एक साथ डिलीट कर दो, बस ये हो गया। अब इसको हटा दो, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर एडिट पैटर्न में जाओ यानी जेड की प्रेस करो, करने के बाद अच्छा यहीं पर भी है ये पॉइंट, इसको भी डिलीट कर दो, इस पॉइंट को भी डिलीट कर दो। अब इसको करते हैं अनफोल्ड। अनफोल्ड के लिए देखो जेड की प्रेस किया, करने के बाद फिर इस जगह पे आपको राइट क्लिक करना है और यहीं पर अनफोल्ड करोगे तो फिर ये पैटर्न खुल जाएगा। इस जगह पर भी आप ऐसा करके अनफोल्ड कर दो। अनफोल्ड करने के बाद ये भी अनफोल्ड हो गया, लेकिन यहीं पे एक चीज दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको, थोड़ा बहुत नहीं। जैसे कि मान लो ये जो गले का शेप है ये थोड़ा सा आपको एडिट करना है, आपको लगे जो इसको एडिट करना है, लेकिन यहीं पे एडिट करोगे तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा, देखो सी की प्रेस किया, आप जब भी इसको एडिट करोगे मान लो कुछ इस टाइप का करोगे या फिर डीप करोगे कुछ भी एडिट करोगे तो देखो ये एक ही तरफ आपका एडिट हो रहा है, लेकिन ये तो बहुत गलत होगा। एक टाइप का अगर एडिट करोगे फिर दूसरा टाइप का ऐसे करके अगर उठा के करोगे तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, अंडू करना है, जैसा था वैसे ही आपको ले जाना है इस जगह पे, जैसा आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे यहीं पे राइट क्लिक करोगे किए थे आपने अनफोल्ड, लेकिन अनफोल्ड के जगह आपको करना है अनफोल्ड सिमेट्रिक एडिटिंग विथ स्विंग, इस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। करने के बाद देखो सी की प्रेस करके फिर इसको जब भी आप देखो ये जब भी एडिट करोगे चाहे आप इस टाइप का भी नेक बनाओ या फिर कर्व दे दो हल्का सा, ठीक है, या फिर आप राउंड नेक बनाओ, ये देखो बिल्कुल दोनों तरफ इक्वल एडिट हो रहा है। लेकिन यहीं पे जो बैक की तरफ जो किए थे हमने यहीं पे अगर आपको एडिट करना है तो फिर ये नहीं होगा इक्वल, क्योंकि ये ओनली अनफोल्ड किए थे। यहीं पर देखो इस जगह पर एडिट कर रहा हूँ तो देखो इस तरफ नहीं हो रहा है, सिर्फ इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप अनफोल्ड करोगे जहाँ पे लगे आपको बाद में एडिट करना है तो फिर वही इस जगह पे जो अनफोल्ड सिमेट्रिक एडिटिंग विथ स्विंग इसको आपको सिलेक्ट करना है। बस ये पैटर्न रेडी हो गया है। ड्राफ्टिंग पैटर्न क्लो में कैसे बनाते हैं ये बिल्कुल आज जो क्लो का फर्स्ट क्लास है इसमें देख लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको देख के बना लोगे। अगर आपको टेक्निक पता होगा, ठीक है, ये बेस पैटर्न, अगर आपको ये बेस पैटर्न का जो टेक्निक है ये टेक्निक अगर आपको पता होगा तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप बना दोगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लो का फर्स्ट क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न मेकिंग के रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक नया डिजाइन का पैटर्न क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।